हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस टाइम पे आपकी यूट्यूब वीडियो डाली जाएगी वो वायरल हो। कई बार कई लोगों का ये कमेंट आता है हमारे चैनल पे कि हमें बताइए कि कब यूट्यूब का हम वीडियो डालें और कैसे ये हमारा चैनल ग्रो करेगा, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है यूट्यूब पर वीडियो डालने का। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कब कौन सा परफेक्ट टाइम होता है जब आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, तो आपका वीडियो इंस्टेंट वायरल हो जाएगा। तो चलिए, हम लेट ना करते हुए इसी बात पे आप इसी टॉपिक में हम आपको बताते हैं कि देखिए, जो आपकी YouTube की पॉलिसी है, अगर आप पॉलिसी में जाके चेक करेंगे तो ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है यूट्यूब पे कि आप इस टाइम पे वीडियो डालेंगे तो आपका वायरल हो जाएगा, आप रात को डालेंगे तो वायरल हो जाएगा, आप दिन को 10 बजे डालेंगे तो वायरल हो जाएगा। आप वीडियो किसी भी टाइम पे डाल सकते हैं, इसका ऐसा कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है एज पर यूट्यूब पॉलिसी, एज पर यूट्यूब गाइडलाइन। तो दोस्तों, आप एक चीज़ ये भूल जाइए कि अगर आपने किसी वीडियो में देखा है, उसने बताया रखा है कि इस टाइम पे डालना है, ऐसा ऐसा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ चलते रहते हैं, बट मैंने जो ऑब्जर्व करा है ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और जो हमने थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा, आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपने थोड़ा बहुत भी अगर गाइडलाइन पढ़ी होगी यूट्यूब की, तो उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि किस टाइम पे वीडियो डालें तो वीडियो वायरल होगा, किस टाइम पे शॉर्ट डालें तो शॉर्ट वायरल होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ तरीका। जैसे आप अगर नए यूट्यूबर हैं या आप बिगिनर हैं या आपके 100-200 ऑडियंस हो चुके हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सिंपल यूट्यूब का एक जो इनका स्टूडियो है, आप जब वो एप्लीकेशन खोलते हैं तो आप यूट्यूब स्टूडियो पे देखिए, उसमें ऑप्शन आता है एनालिटिक का। एनालिटिक में जब आप जाएंगे तो आप ये देखिए उसमें कि जैसे मान लीजिए आपके पास 150-200 ऑडियंस हैं, 150-200 लोग आपको देखते हैं, या आपके पास 1000 हैं, 2000 जो भी हैं, तो आप उनका देखिए अवेलेबिलिटी टाइम, वो ऑडियंस आपकी कब ज़्यादा एक्टिव होती है, तो वो आपको एनालिटिक्स में दिखा देगा जब आप अपना यूट्यूब वाला ओपन करेंगे, वो स्टूडियो वाला ऑप्शन। तो एनालिटिक्स में आप जाके देखिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो कब कब ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उसी टाइम को आप कैप्चर करके सेम उसी टाइम पे अपना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करिए कि जिस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिक्स में पता चल जाएंगी, आप जाके उसमें देखिए। प्लस और एक चीज़ होता है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सब्सक्राइब करके जिन्होंने रखा हुआ है, वो ऑडियंस एक तो आपको ये देखना है कि किस किस टाइम पर ये एक्टिव होते हैं, दूसरा उसमें एक ऑप्शन होता है रीच का, जब आप यूजर रीच में जाएंगे तो उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट के अलावा और कौन कौन सा कंटेंट देखना पसंद करती है। तो आप जब उसमें जाएंगे तो वो जितने भी ऑडियंस जिस जिस चीज़ को भी वो सर्च करते हैं ना सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखा देंगी कि हाँ, हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट के अलावा और क्या क्या सर्च करता है यूट्यूब इंजन पे। तो वो सारी चीज़ें, उस टाइप के कंटेंट आप अपने वाले चैनल पे अगर डालना स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके अलावा और कौन कौन सा सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे क्या क्या सर्च करते हैं, तो उस टाइप की अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियोस हो, तो आपका चैनल क्या है धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। प्लस टाइम लाइन कुछ भी नहीं होती है, जब आपका ऑडियंस अवेलेबल है, जब वो ज़्यादा एक्टिव है, उसी टाइम पर आप वीडियो डालना स्टार्ट करिए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए, और हमेशा आप ऑडियंस को वॉच करते हुए, ऑडियंस के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने कंटेंट के हिसाब से वीडियो बनाना स्टार्ट करिए और डालना स्टार्ट करिए दोस्तों। डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, आपका चैनल डे बाई डे ग्रो करने लगेगा दोस्तों। और ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है यूट्यूब में कि हम इस टाइम पर डालेंगे तो यूट्यूब वायरल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपने वीडियोज ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कोई भी पॉलिसी यूट्यूब में नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोसेस को एक बार फॉलो करके देखिए दोस्तों। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और क्रिएटर हूँ, तो इस तरीके का आप ऑडियंस धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, और आपको धीरे धीरे ऑडियंस भी गेन होने लगेगी, आपको आइडिया भी लग जाएगा हमारी ऑडियंस कब एक्टिव होती है, वो क्या कंटेंट देखना चाहती है हमारे कंटेंट के अलावा। तो उस सब टॉपिक को आप कवर करते जाइए और इस तरीके से आप अपने यूट्यूब को डे बाई डे ग्रो करते जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आ गया हो चीज़ें तो आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करिएगा, और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।